हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है, उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनिशियली डिजिटलिस वॉज यूज टू ट्रीट। दोस्तों, इनिशियली डिजिटलिस वॉज यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, ड्रोसी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है दोस्तों ड्रोसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनिशियली डिजिटलिस वॉज यूज टू ट्रीट ड्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैंक दे रखा है। आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टर्पिन्स, सेस्क्वी टर्पिन्स एंड पॉलीटर्पिन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एथरील और ब्लैंक दे रखा है, ऑल्स आर ऑर्डरस वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन व्हिच एवेपोरेट व्हेन एक्सपोज टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो वोलेटाइल ऑयल्स, नॉन वोलेटाइल ऑयल्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऑयल्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वोलेटाइल ऑयल्स कैन बी फॉर्मड बाई टू मेथड्स, जैसे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सम ग्लाइकोसाइड्स एंड डायरेक्टली बाय द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ब्लैंक दे रखा है, व्हिच मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल एंड बर्गामोट ऑयल। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, स्केरिफिकेशन मेथड, नॉन सॉल्वेंट मेथड यूजिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट्स मेथड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केरिफिकेशन मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल एंड बर्गामोट ऑयल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, इन व्हिच प्रोसेस लॉन्गिट्यूडिनियल और ट्रांसवर्स कट्स आर मेड ऑन द फ्रूट्स टू रिमूव इट्स कंटेंट्स, इक्वली स्टीम डिस्टिलेशन, स्पॉन्जी और मैशरेशन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पॉन्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, इन व्हिच प्रोसेस द ऑयल इज कलेक्टेड बाय रप्चरिंग द फ्रूट रिंड्स यूजिंग अ डिवाइस हैविंग न्यूमरस पॉइंटेड प्रोजेक्शंस विद अ रोटरी मूवमेंट। तो मैशरेशन, इक्वली स्टीम डिस्टिलेशन और स्पॉन्जी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ओए, इन व्हिच मेथड द लार्ड और ऑयल इज हीटेड ऑन अ वाटर बाथ फॉलोड बाय एडिशन ऑफ फ्लावर्स एंड कंटिन्यूस स्टिरिंग ऑफ द मिक्सचर, स्टीम डिस्टिलेशन, स्पॉन्जी, मैसिरेशन, स्प्रेइंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसिरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन व्हिच मेथड ऑफ वार्म एयर करेंट इज स्प्रेड थ्रू अ कॉलम ऑफ फ्लावर्स, स्पॉन्जी, स्प्रेइंग, मैसिरेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेइंग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टैनिन वॉज फर्स्ट यूज बाई ब्लैंक दे रखा है, इन 1976 टू डिनोट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, लेडनबर्ग, लुइस पाश्चर, सेगन और डब्ल्यू मेसनर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेगन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमने फार्माकोग्नोसी के टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।